आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने कमेटी संघ निरीक्षण किया। उन्होंने ताजमहल परिसर में ताज की सुरक्षा के लिए बने ड्यूटी पॉइंट चेक किया। इस दौरान एसएसपी सुधीर कुमार, एसपी सिटी विकास कुमार के साथ ताज सुरक्षा के अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों समेत महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई कमेटी के साथ एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने ताजमहल का जायजा लिया। एडीजी ने ताजमहल के नए वॉच टावर से लेकर परिसर के अंदर और बाहर के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के डिजाइन को बारीकी से जांचा। निरीक्षण के बाद उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बताया और भविष्य में सभी धर्म स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा को और मजबूत करने की बात कही। भारत सरकार के आदेश से स्थायी समिति बनी हुई है जो तीनों धार्मिक स्थल अयोध्या, काशी, मथुरा और महत्वपूर्ण स्मारक ताज की सुरक्षा की नियमित समीक्षा करती है। उसी कड़ी में आज पूरी स्थायी समिति सुरक्षा मुख्यालय उत्तर प्रदेश के संयोजकत्व में यहां आई। अभी हम लोगों ने डिटेल चीज़ें देखी हैं और ये असेसमेंट करने की कोशिश की है कि जब पिछली बार हम लोगों ने यहाँ बैठक की थी और भ्रमण किया था, उसके बाद कुछ बिंदु हम लोगों ने निर्देश निर्गत किए थे, उस पर कहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ी हैं और आज कुछ जो विषय हमारे आए होंगे उसको अभी हम लोग बैठेंगे, यहाँ के भ्रमण के बाद अभी गोष्ठी करेंगे, उसमें बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे। ये आपको आश्वस्त हम कर दें कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सिक्योरिटी के, सभी अपने रोल के बारे में सजग हैं और एक बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम ताजमहल का वर्तमान में इन प्लेस है। सपा सरकार में करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर ताजमहल के अंदर और बाहर लगाए गए 165 कैमरों में अधिकांश सालों से खराब पड़े हैं। इसके साथ ही नए ऑटोमेटिक बैरियर भी काम नहीं कर पाए हैं। इस सवाल पर एडीजी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो कमियां पाई गईं, उन्हें आज बैठक कर खराब कैमरों को दुरुस्त करवाने से लेकर सभी बातों पर चर्चा कर उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटाज चेक और सर्वेलांस, ये तीन पिलर्स होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में। उस नज़रिए से हम लोगों ने देखा है कि एक्सेस कंट्रोल के जो विषय हैं उस पर हम कहाँ हैं, एंटी सबोटाज चेक की जो हमारी यहाँ पे सिस्टम है वो क्या, और सर्वेलांस जो हमने अभी सीसीटीवी कैमरे के बारे में बोला, इन सारे विषय पर अभी हम लोगों ने फिजिकली देखा है और अब बैठ के उस पर मंथन करेंगे और आगे की हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार स्मारक सुरक्षा समिति के अधिकारियों के साथ सुबह ताजमहल पहुंचे। इस दौरान पुरातत्व विभाग, सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाई।